माफिया पनपने का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ये नकल माफिया सरकार के संरक्षण में पनप रहा है। सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान माफिया ग्रस्त हो चुका है। कभी खनन माफिया तो कभी अपराध माफिया, कभी शिक्षा माफिया की बात आती है, लेकिन अब तो नकल माफिया की चर्चा हर कहीं हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस संगठित तरीके से नकल को अंजाम दिया जाता है, उससे लगता है कि प्रदेश में सरकार के संरक्षण में नकल माफिया पनप रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की तरफ से रीट के मामले को लेकर प्रदर्शन किए जाने पर कांग्रेस की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को लाखों प्रभावित नौजवानों की आवाज उठाना किसी तरह से गलत लगता है तो कांग्रेस पाप कर रही है। पहले ये कहा कि रीट की परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन वही कंट्राडिक्शन ये है कि वही मंत्री डोटासरा जी अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं इसी हिसाब से कि उस पर संदेह है। जब भूमिका संदेह है तो मुझे लगता है कि अभी इसको यदि ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो परतें बहुत उधड़ेंगी, और ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में नकल माफियाओं ने राजस्थान माफियाओं से ग्रस्त है। खनन माफिया यहाँ पर हैं, अपराध माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, लेकिन अब नकल माफिया ये एक नई तरीके की खेप है जिसने एक संगठित तरीके से नकल को अंजाम दिया है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। झुंझुनू